हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 1 पार्ट 6। आज की इस वाली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम रिवाइज करवा देता हूँ। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट, और आज की इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज इरीगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ इरीगेशन, दो ही पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। तो सोर्स ऑफ इरीगेशन और व्हाट इज इरीगेशन ये तो पढ़ने वाले हैं ना, तब तीन हो गए इसलिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द सप्लाइंग ऑफ वाटर क्रॉप्स एट द डिफरेंट इंटरवेल इज कॉल्ड इरीगेशन। इसका मतलब है कि आपने जो अपने क्रॉप उगाया है, जो भी खेती की अपने ने, उसको अपन पानी देते हैं अलग अलग टाइम पे, उसे क्रॉप कहते हैं। मतलब ये बहुत टाइप से अपने पानी देते हैं, कभी कभी किधर से दे देते हैं, कभी किधर से दे देते हैं। सोर्स ऑफ इरीगेशन अपने जानेंगे उसके बाद में, और उसके बाद में हम जानेंगे जो अपने ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने ज़माने में कुछ मेथड्स यूज होते थे इरीगेशन में, वो जानेंगे। अभी तो नए नए मेथड्स यूज होने लगे हैं, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम, रेन गन। तो अब बढ़ते हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन। द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल, ट्यूब वेल, पॉन्ड्स, मतलब लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनल्स। इनसे जो पुराने ज़माने में पानी दिया जाता था, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि किन किन से जो पानी दिया जाता था। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे मतलब वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक लाइक प्लीज़ से दे के जाना, और नए हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसे क्लिक कर दो, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। तो ये चार होते हैं, फर्स्ट है मोट, सेकेंड है चेन पम्प, थर्ड है ढेकली एंड फोर्थ है रहत। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो यार एक लाइक कर दो, क्योंकि हमारी फर्स्ट Q&A वीडियो आने वाली है 100 सब्सक्राइबर पे, तो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाना तो दबा दो। तो ये मोट है, इसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें जो है एक गाय बांध दी जाती है, जो आपको रस्सी दिख रही है ना, इधर एक गाय बांध दी जाती है। तो जैसे वो गाय मतलब पीछे आती है, जब ये जो घड़ा इसने पकड़ रखा है जो फार्मर है, तो वो नीचे आ जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो गाय आगे जाती है तो भर के ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है फार्मर उसको पकड़ता है और खेत में पानी डाल देता है। ये सेकंड अपना चेन पंप, इसमें क्या होता है कि ऐसे जो एक चेन बना दी जाती है, उसमें एक जो चेन का पार्ट होता है ना वो रिवर में चला जाता है, एक जो पार्ट होता है वो अपने क्रॉप्स में, खेती बाड़ी जहाँ पर अपन कर रहे हैं वहाँ पर होता है। जैसे वो बकेट उसके अटैच थी, तो उन बकेट से पानी बढ़ता है और वो ऊपर चला जाता है। बात कर लेते हैं ढेकली के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक गाय जो है ना, एक व्हील की बांध दी जाती है, जैसे वो गाय घूमती है तो वहाँ से जो है जहाँ पर पानी है वहाँ से वो बकेट भरती है और एक साइड से गिर जाती है, मतलब एक तरह से घूमने का काम करती है ढेकली। आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन से पढ़ सकते हैं, मैं बुक दे दूँगा एक पूरी जैसे चैप्टर कम्प्लीट होगा, और एक क्वेश्चन भी दे दूँगा मैं आपको क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं रहत के बारे में। तो यहाँ पर इसके पीछे एक जो आपको लकड़ी दिख रही है, इसके पीछे एक पत्थर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपने इसको आराम से ऊपर पुल कर पाए तो ये बहुत ईजी हो जाता है, बाद में पत्थर की वेट से वापस आराम से नीचे आ जाए, इसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर के बटन आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मेन चीज़ जो ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम है उसके बारे में नहीं बताया, तो गाइस उसके बारे में मैं आपको अगली कुछ वीडियोस में बता दूंगा। उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। आज इस वाली वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे क्लिक कर दो, क्योंकि हमारे 100 के होने वाले 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 100 सब्सक्राइबर पे आने वाली है अपनी फर्स्ट वीडियो। जल्दी से जाओ लाइक कर दो। बाय बाय।